पक्का कोई बीमारी नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ भी नहीं? ये एक अच्छी जेल है मेरे दोस्त। हम हमारे संस्कारी कैदियों का बड़े संस्कार से ख्याल रखते हैं। अगर ऐसा है तो मैं फिर कभी आऊंगा। क्या बात है, अच्छे कपड़े पहने, मेरे प्लेनेट पर नहीं पहनते ऐसे। दरवाजा खोल दो। चलो जल्द। लगता है डाल्टन्स को शादी का इनविटेशन है। ओ, शादी मतलब ढेर सारा खाना। लिफ्ट के लिए थैंक यू अंडरटेकर। आगे जाने से पहले हम उतर जाते। नहीं, मेरा मतलब तुम उतर जाओ। लेकिन आखिरकार जल्दी से शहर जाकर कोई बैंक लूटते हैं, हमारी प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। शादी का हॉल बहुत दूर बुक किया है। ये क्या हुआ, दूल्हा तो जा रहा है। चलो हमें थोड़ा ज्यादा खाना मिलेगा उसके साथ। मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। आज का मौसम कितना हरा है ना, रोज यही मौसम हो तो जीने का क्या मजा आ जाए। इसको क्या हुआ, लगता है आज कुदरत से बहुत ही ज्यादा लगा हो गया है। कैसे हो मेरे जंगल के जरूरी सदस्य? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हो गया क्या, अब हम नहीं रहे? अरे नहीं नहीं, हम तो जिंदा है। चमत्कार हो गया यार। तो अरे थैंक यू कांटेदार पेड़, तुमने हमें पनाह देकर हमारी जान बचा ली। अरे देखो यार, पहाड़ी फूल भी है, कितना खूबसूरत है। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम आजाद तो है लेकिन एक बड़े कैक्टस के ऊपर फंस गए। देखो शेरू आया। हेलो, तुम कितने अच्छे और काबिल शेरू हो ना, जाओ अंकल जो के लिए मदद लेकर आओ। क्या बात है, जो भी मुझे शादी में इनवाइट करे आ रहा हूँ। ये शेरू किसी काम का नहीं है। वजन कम करो, पॉकेट्स खाली कर दो जल्द। ये तो फिर भी भारी है भाई। तो अब क्या फेंके, इधर आओ शेरू। एक बड़े कैक्टस पे शादी करने का आइडिया बहुत ही बढ़िया है। अरे वाह, कितना अच्छा व्यू है, फैंटास्टिक। अरे तुम सबने सुना, उडली ये। इससे बड़ा घोचू मैंने नहीं देखा। वैसे इस बक्से में क्या है? इसमें तो खाना है। नहीं सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कॉफिन में पहले से ही कोई है। और वो लगता है कि जागने वाला है, ज़ॉम्बी है। क्या छोटी बात पर डरते हो, हट जाओ, मैं देखता हूँ। क्या बात है, अब खाना खाने का वक्त हो गया। ये बिल्ली तो अंडरटेकर की है। तुम ठीक तो हो ना भाई? खाली है बिल्ली, तुम सब खा गए क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे
ए भाई, मुझे एक आइडिया आया। ऐसे वक्त पर तुम्हारा आइडिया भी सुनना पड़ेगा। ये देखो, मैं सपना तो नहीं देख रहा, तुमने तो एक विंडमिल बना दिया। मैं इस इन्वेंशन को नाम दूंगा हेलीकॉप्टर। मेरा भाई कभी कभी दिमाग चला लेता है। ऐसे देखो मत, मैं अभी भी तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, समझी ना। खुश होने की कोई जरूरत नहीं, डाल्टन्स बहुत ताकतवर हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अबरा, तुम्हारे हेयर से कॉप्टर का कोई फ्यूचर नहीं है। खाना खाने नहीं मिला, लेकिन मजा बहुत आया। जोड़ी सलामत रहे। बायोनिक पैर साधारण पैरों से 20 गुना ज्यादा तेजी से चल सकेंगे, आंखें 1000 मेगापिक्सल जूम कर सकेंगी और 300 किलोमीटर दूर तक की आवाज कानों को स्पष्ट सुनाई दे सकेगी। मिस्टर प्रेसिडेंट, ये बात सही है कि यह सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन सोचो, अगर हमारा हर सिपाही बायोनिक हो जाए तो आर्मी की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। किसी इंसान पर एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर्स तो मिल जाएंगे। ये बहुत ही गर्व की बात है कि देश के प्रेसिडेंट ने खुद हमसे बात करके हमारी मदद मांगी है। ये है प्रोफेसर जॉन डफ और फिल मैक एस्केट। हेलो। तो क्या करें, नाचे? हमें एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर चाहिए। जो भी हमारे कहे अनुसार करेगा, सरकार उसे सजा से मुक्त कर देगी, ये सच है। सजा से मुक्ति? आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। पर सिलेक्शन से पहले वॉलंटियर पर कुछ टेस्ट करने होंगे। हाँ तो भाई, ये मस्त वाला आइडिया सुनो। मैं टेस्ट पास करके इन लोगों के साथ कल्टी खाऊंगा और फिर वापस आकर तुम सबको बाहर निकालूंगा। लेकिन तुम सिलेक्ट नहीं हुए तो? मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ, कोई शक? लेकिन भाई, अगर उनको होशियार इंसान नहीं चाहिए हो तो? अरे तो मैं भी टेस्ट दे देता हूँ, मुफ्त में ढेर सारा खाना मिलेगा। फायदा नहीं, क्योंकि मैं जीतने वाला हूँ। ये क्या, बिस्किट? ये कौन बोला? मेरे गले में रेडियो फंस गया है। No. तुमने चीटिंग किया, मुझे तुम्हारी जगह जाना चाहिए। मैं जीता हूँ। बाय बाय। क्यों ना थोड़ा संस्कारी म्यूजिक हो जाए। ये रेडियो का चैनल कौन बदल रहा है? मुझको लेने के लिए आएंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट आए हैं। मशीन पे और रिसर्च करने की जरूरत है, इसलिए हमें एवरल को जेल वापस भेज दिया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए प्रेसिडेंट, जॉन ने मशीन वापस निकाल ली थी। क्या? मुझे लगा तुमने निकाली है। नहीं, इस बार तुम्हारी बारी थी। जाओ एवरल के शरीर में से वो मशीन निकाल कर लाओ। तुम वापस क्यों आए? तुम्हें हम सबको बाहर निकालना था। सुनाई नहीं दे रहा लंबू चांद, मुझे जवाब दो। खाना तैयार है।
खाना तैयार है। ये इसने कैसे किया? एवरिल इतना ताकतवर कैसे बन गया? मस्त वाला आइडिया आया भैया। ये कैसे हुआ? इतने तेज तो पंखे भी नहीं चलते। हमारा भागना आसान हो जाएगा। बस करो एवरल, कुछ सोचने दो हमें। भाई तुम्हें जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए था। एवरल की सुनने की शक्ति काफी सेंसिटिव हो गई है। ये मेरा सबसे संस्कारी गाना है, अपनी आवाज में गाकर सुनाओ। हे, लगता है इसके गले में भी कुछ तो अटका है। चल बाहर निकाल। तुम्हें तीन पे भागना है। एक दो तीन। मैंने कहा एक दो तीन। इस लंबू चांद को क्या हुआ? पकड़ो उन्हें। ये कैसे हो रहा है? वो हमसे तेज भाग रहे हैं। बस बहुत हो गया, धीरे भागो। नहीं हो पा रहा है। वो देखो एवरल, हम वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते हैं। हाँ, लेकिन पहले इसको बंद तक करो। अच्छा हुआ जॉन, हमने वो मशीन बनाते वक्त उसे दूर से बंद कर सके वैसा रिमोट भी बना लिया था। जॉन, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। ये रिमोट काम नहीं कर रहा। वो बटन जोर से दबा खोचो। मेरा दिमाग इंजर्ट हो गया। क्या बात है, हम बॉर्डर पार कर रहे भैया। खाना तैयार है, तैयार है। अरे वाह। समझ नहीं आता इसे इतनी दूर खाने की खुशबू कैसे आ जाती है। लगता है इसकी नाक भी तेज हो गई है। ये चूहा कोई गाना क्यों नहीं गा रहा? हर किसी के पास संस्कार नहीं होते। इतनी गर्मी में मस्त वाला आइडिया सोचना नामुमकिन है। अरे लेकिन भाई, ऐसी धूप में सनबाथ लेने का अलग ही मजा है। गर्मी के मौसम में नींबू पानी ही हमारे संस्कार है। ये गर्मी हमारे जेल एक्टिविटीज को भारी नुकसान पहुंचा रही है। जेलर साहब, आओ जादूगर जोजो, बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मेरे भांजे का नामकरण है, इसलिए खाने के बदले ये कलाकृति देने आया हूँ मैं। कैसी कलाकृतियाँ? हैंडमेड शॉल, इस साल फैशन में है। इतनी गर्मी में शॉल देने आए हो? जरा सबकी हालत देखो। आपके लिए मेरे पास कुछ है। भैंस के दूध से बना एनर्जी ड्रिंक गर्मी से बचाएगा, दुगनी शक्ति देगा। डेमो देखो। इस एनर्जी ड्रिंक के लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। तुम सब ने देखा क्या? वो शरबत पी के हम ताकतवर हो जाएंगे और फटाफट गड्ढा खोद के यहाँ से कल्टी खा लेंगे। कोई शक? तो कैसे रही जेलर के साथ बिजनेस डील? पूरा स्टॉक खरीदना चाहता है। बढ़िया, इस शरबत ने हमारे युवाओं का हाल बेहाल कर रखा है। क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया।
अरे भाई, मेरी बॉडी से पिंक धुआं क्यों नहीं निकल रहा? पिंक धुआं तू धुआं से तुम्हें क्या करना? हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना है, समझे क्या? आसपास कहीं गाय है? गाय जेल में क्या कर रही है? देखना पड़ेगा। लगता है गर्मी से भैंस और लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जल्दी जल्दी आ चला, गड्ढा खोदना शुरू करो। अरे भाइयों, मेरे लिए रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? क्योंकि वक्त बहुत कम है गोचो। हाँ भाई, लेकिन इतनी तेज गड्ढा खोद कर हमें क्या मिलने? अरे भाइयों, जरा संभाल के। ये नॉर्मल है क्या? थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। हमें शरबत की जरूरत है। देखो हम कहाँ हैं। एनर्जी ड्रिंक। खुशबू तो गाय की ही है, यानी यही कहीं छुपी होगी। एक मिनट, क्या ये खुशबू मुझ में से ही आ रही है? और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक डॉगी हूँ। चाबी मिल गए, दरवाजा खुला है, चलो चलते। अलविदा दोस्तों, मेरा परिवार कहीं और है। डाल्टन यहाँ से निकल गए और तुम घनचक्कर तमाशा देखते रह गए। सर बहुत जल्दी में हुआ ना, और हमें वो शरबत भी तो नहीं मिला था ना। एनर्जी ड्रिंक, चलो जादूगर जोजो से मिलकर आते हैं। भैया, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम जेल से बहुत दूर आ गए। अरे भाई, वो देखो, हम अकेले नहीं है, पैसे भी है बारी बारी। ये क्या कर रहा है? वो तुम्हें पसंद करता है भाई। तुम्हारे बकवास एनर्जी ड्रिंक की मदद से डाल्टन जेल से भाग गए हैं। ऐसा क्या? वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, मैं जानता हूँ ना। मू, 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 ये भोली भाली गाय अपने असली परिवार से मिलने आई है, मेरा स्वागत करो। ये क्या, डाल्टन्स भी इसी परिवार के हैं? क्या बात है? ये पिंक धुआं इन्हें भाग गया अप्रैल, अरे कुछ करो तो। अरे ये लो, वापस पियो तो शायद तुम निकल सको भाई। का मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे बोलो ना। ये अच्छा है, मेरा पारिवारिक खाना। वापस तबेले में जाने का वक्त आ गया है। काटो ये भैंस को। तोड़ो पत्थर, तोड़ो, बस सारा दिन तोड़ते रहो। अरे मुझे तो बड़ा मजा आता है जो। इनका ये पांचवा भाई कहाँ से आया और इसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? तुम टाइम पास कर रहे हो क्या?
इससे अच्छा भागने का कोई आइडिया सोचो। ये क्या बनाया है इतना प्रभावशाली और संस्कारी? ये तुमने बनाया एवरल? इसका नाम है ना समझ ठिंगू चंद। ऐसा क्या? अब देखते रहे पुतले को मैं क्या नाम दूंगा। ऐसी कला का तो बाहर एग्जीबिशन होना चाहिए। ऐसे संस्कारी टैलेंट की जगह तो बाहर खुले में है। क्या कहा खुले में? और एक मस्त वाला आइडिया आया। ऐसा लगता है क्या? माना कि मैं एक कला प्रेमी हूँ लेकिन मैं बिल्कुल बिल्कुल जेलस साहब। एवरल एक बड़ा ही टैलेंटेड बच्चा है, सोचिए। अच्छा, कल तो कह रहा था बेवकूफ है। तुम लोग नंबर के बेवकूफ हो। बात को जरा समझो। एग्जीबिशन में हम पुतला बनकर खड़े रहेंगे और वहाँ से भाग जाएंगे, समझे कुछ? तो क्या कहते हैं आप? मुझे तो फ्यूचर में आपकी फोटोज मैगजीन में छपी हुई दिख रही है चलर साहब। मजा आ गया, मतलब मजा आ जाएगा। फैंटास्टिक, चलो जल्दी से काम पर लग जाओ संस्कारी कलाकार। अरे जो हिलना बंद करो। ओ, संस्कार ही संस्कार, तुम तो कितने होशियार हो एवरल। ओ, मेरे ग्रह पर भी मेरे ऐसे पुतले बनेंगे, क्या बात है। पुतला इतना सख्त क्यों होता है? पुतला को हाथ मत लगाओ, समझे? मेरे ग्रहवासी मुझे लेने कब आएंगे? मैं यहाँ तंग हो गया हूँ। चलो भाई अब प्लान को आगे बढ़ाते हैं। चलो जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ भाई। ठीक है भाई, अच्छे से पोज दो। ओ नहीं नहीं गोचू, हम पर पेंट करके हमें पुतला बना दो। चलो करके दिखाओ। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हो जाए हिलना मत, हम पुतले हैं। ये हूबहू डाल्टन ही लग रहा है। एकदम वही सेम गंदी शक्ल बनाई है। ये लोग भी जा रहे हैं, मेरे ग्रह वाले मुझे लेने कब आएंगे पता नहीं। देखना हमारा ये संस्कारी एग्जीबिशन बहुत ही संस्कारी जाएगा। एग्जीबिशन? पूरा परिवार जा रहा है और मैं नहीं जाऊंगा तो डाल्टन को अच्छा नहीं लगेगा। सुनो मेरी भी एक टिकट कटा लो। चले गए, मुझे लेने मेरे ग्रह वाले कब आएंगे पता नहीं, पर मैं जाऊंगा। मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि जिस जेल का मैं जेलर हूँ उस जेल में हमने एक महान कलाकार की खोज की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो कलाकार है एवरल डाल्टन। पहले तो मैं मेरे भाइयों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फिर मैं अपनी मम्मी को थैंक यू बोलूंगा, फिर दोस्तों को, छोटू बबलू पिंटू चुन्नू। जल्दी कर लंबो चांद। और अब हम एवरल जी की कला पर एक संस्कारी नजर डालेंगे और फिर कुछ नाश्ता करेंगे। चलो भाइयों, यहाँ से भागने का वक्त आ गया है। एवरल तैयार हो जाओ। एवरल, ओ भुखा कहीं का। तो एवरल, इसके बाद तुम क्या बनाओगे? तुम्हारे पास कोई संस्कारी आइडिया तो होगा ही ना? एवरल, हमें भागना है। इतनी जल्दी? लेकिन भाई मैंने तो ढंग से खाया भी नहीं। खाना? तो अब तुम्हें एक संस्कारी शेफ बनना है। संस्कारी रेसिपीज? मैं जेलर साहब से बात करती हूँ। अरे भाइयों, मैंने 3 दिन का खाना ले लिया है, चलो चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, बरखुदार कहाँ जा रहे हो? मैगजीन के लिए एक इंटरव्यू तो हो जाए। मैं मेरे ग्रह पर पहुंच गया क्या? ये क्या, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। ये मेरे ग्रह का नहीं हो सकता। जैसे ये इंटरव्यू खत्म होगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे।
आइडिया कब आया? कपड़े सुखाते वक्त जब मैं कपड़ा झटक आया था ऊपर फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आर्टिस्ट तो होते ही है हटके। तो मेरा फोटो फर्स्ट पेज पर आएगा कि नहीं ये बता दो। एक बात सुन लो मिस्टर ऊपर नीचे, अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो यही छोड़ देंगे। ये भी मेरे ग्रह से नहीं है, आगे तीन और है, देखता हूँ। हम लेकर आएंगे आजादे। बोलता हूँ पुतला। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। डाल्टन्स भाग रहे हैं, उन्हें रोको। चला हम आजाद हैं। क्या और अम्मा तो हिल भी नहीं पा रहा। अरे मेरे लिए रुको, तेज मत भागो भाइयो। बारी बारी बैड लक डाल्टन, एवरेज लक गलती से पेंट के साथ थोड़ी सीमेंट भी मिक्स कर दी थी। एवरेज कितना संस्कारी चेहरा है। वैसे ये मेरे नए कलेक्शन में कैसा लगेगा? ऐसा हर बार मेरे साथ क्यों होता है? जेल में सरकारी स्टेशन सर्विस चालू करने के बाद तो हम मालामाल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि डाल्टन संस्कारी काम कर रहे हैं। सादा के मसाला सर्विस हैं? मैं कैसे टेस्ट करूं? भैया मेरा पीछा करा। ये तो रिस्की है, हमें छुपने के लिए गाड़ी के नीचे जगह बनानी होगी। लेकिन ये कैसे करेंगे? किसी कस्टमर को बेवकूफ बनाकर उसकी गाड़ी पे मतलब रिपेयरिंग करके। जेंटलमैन, मेरी गाड़ी में से आवाज आ रही है। हम लोग आना देखने के लिए। घटिया टेस्ट है। मुझे तबेले का खाना नहीं खाना चाहिए था, मैं गाय बन जाऊंगा। बचाओ, मेरा सर दुख रहा है। ओ नहीं, शायद सिंह उगाएंगे मेरे। मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, बदल। गाड़ी रिपेयर कर रहे हो, ये तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक से रिपेयर करना। मेरी गाड़ी इतनी खराब है। सेफ्टी के लिए मैडम, सेफ रहना चाहिए। लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मैडम। कस्टमर को रॉयल सर्विस दी जाए। देखे आलिशान कमरा, फर्नीचर भी और बाथरूम भी है। क्या कोई सादा कमरा नहीं है? सबसे बस पैर बंधे होंगे। आपका दिन शुभ हो मैडम। अरे हथौड़ा लगने पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? देखिएगा आपकी गाड़ी चकाचक हो जाएगी। ये किस तरह का एनिमल है? रुको मैं अभी आया। ये तो अब
मैं क्या बोलूं? विश्वास नहीं होता ना, वो भी इतने कम दामों में। देखते हैं इसमें क्या नया है। काम बन गया भाइयों, आजादी मिल गई। ठीक है, लेकिन हम बाहर कैसे निकले? क्या यह दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुलता है क्या? तुमने बनाया है? तो फिर तोड़ दो इसे। गाड़ी में तो कुछ भी नया नहीं है। हो गई ना आपकी गाड़ी एकदम नए जैसी। नहीं जैसी, मैं तुम्हारी कंप्लेन इस वेस्ट गाइड बुक रिव्यू में करने वाली हूँ। वेस्ट गाइड बुक रिव्यू? सर्विस पसंद नहीं आई क्या आपको? नहीं, बिन मतलब की रिपेयरिंग और इतने लंबे बिल की कोई जरूरत नहीं थी, समझ गए? मैं समझा नहीं, हमें ये पहली कंप्लेन मिली है। डाल्टन्स को ढूंढ के लाओ। मैं अभी देखता हूँ, आप चाय कॉफी कुछ लेंगी? ये क्या, आप जेल में वापस आ गए? डाल्टन्स भाई लोग दिखा नहीं दे रहा सर। रुको, मैं मदद करता हूँ। आजकल के स्टाफ भी ना। काश कि वो फिर से भाग न गए हो। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दूर तक गए होंगे। भाइयों, ये तो इनविटेशन है हमारे लिए। कैदी तो बहुत है, लेकिन अच्छे मैकेनिक्स कम है यहाँ पे। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। क्या आप जानते हैं, राइडर होने से पहले मैं टैक्सी चलाया करती थी। तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे स्टेशन को 3 स्टार्स तो दे ही सकती हैं। रोड रिपेयर हो जाने से पहले आपका ये स्टेशन जो है वो बंद हो जाएगा। हाँ तो जेल गाइड बुक रिव्यू, हमारा जेल बेस्ट है, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता है ना डाल्टन? ऐसा हर बार मेरे साथ क्यों होता है?